गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपू। लेमन टी लगभग बन गई है, गर्म रहते ही पी लेना। ओके ठीक है, थैंक यू बेबी। दीपू मैडम, क्या जय कृष्णा को देख पाएंगे? मैं सच में खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ। गुड लक। दीपू सॉरी रॉन्ग नंबर है। दीपू मेरी बात सुनो। कहाँ ना रॉन्ग नंबर है। दीपू क्या हुआ बोलो। तुम्हारे पिताजी और ये कब हुआ? अचानक रात में दौरा पड़ा, हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? अभी 10 मिनट पहले ही उनकी मौत हो गई। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ मैं आती हूँ। टिकट का इंतजाम करो, मैं सामान पैक करती हूँ। बैठो। कितना वक्त बाकी है? दोपहर तक हो जाएगा। दीपू ये भी ना, ये लड़की क्या कर रही है? दीपू दीपू सर, स्कूल के एनुअल प्रोग्राम चल रहे हैं और स्कूल यहाँ के एमएलए का है, हम कुछ नहीं कर सकते सर। दीपू दीपू ऊपर देख, ऊपर देख, क्या कर रही है तू? चिरंजीवी की वो कौन सी फिल्म है जिसे जंध्याला ने डायरेक्ट किया था? सर 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 शांत हो जाइए सर प्लीज। आपको पता है भी या नहीं? सर 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 कुछ मत करिए सर प्लीज सर, इधर आइए सर। दीपू क्या है ये सब? दीपू तुम ये सब क्यों कर रही हो? बा बात तीसरा अक्षर है, मूवी का नाम पता है? चंटप्पाई। बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। पदु चल। दीपू दीपू तू क्या कर रही है? दीपू दीपू अरे रुकिए। घर जाना चाहती हूँ। परिशो उसकी कोई फोटो मिलते ही लौट आऊंगी। ठीक है।
ज्यादा दिमाग मत खर्च कर। मैं पागल नहीं हूँ, सब ठीक है। तू कैसी है? कुछ खास नहीं, शादी होने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, गोविंदिया शिफ्ट हो गई। मैं वहाँ 3 साल रही, अभी हाल ही में वापस से यहीं पर शिफ्ट हो गई। मैं पिछले साल रोजा से मिली थी, उसने मुझे सब बताया। तेरा पति तो बहुत अच्छा इंसान लगता है, बिना रोक टोक के आने दिया। उसे सब कुछ पता है। क्या मतलब? हम अपने जीवन साथी से सब कुछ तो नहीं छुपा सकते हैं ना। उसने मेरा टैटू देख लिया था। तो क्या कहा? मैंने उसे सब बता दिया, उसने भी समझा और सब कुछ संभाल लिया। चलो अच्छा है। वैसे हम कृष्णा के घर क्यों जा रहे हैं? बताती हूँ। सुन, तू सोडा पिएगी क्या? टेस्ट तो पहले जैसा ही है। सही कहा तूने। यार 2005 चल रहा है और अभी तुम्हारा सन की बाप चेहरे को लेके क्यों पागल है? मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत बोलो। हाँ दीपू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा बाप काला था तो मैं भी काला ही रहूंगा ना। क्या बोल रहे हैं ये लोग? हाय दीप्ति। दीपिका। मुरली। तो लवर? हाँ। किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो या फिर ऐसे ही चले जा रहे हो? हम दोनों भाग रहे हैं। चुप रहो, क्या बोल रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो क्या है कि कॉलेज के समय से ही हम दोनों प्यार करते हैं, पर इसके पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते। इसके लिए तो उन्होंने दूल्हा भी ढूंढ लिया है। क्या वो अमेरिका से है? ऑस्ट्रेलिया। और अंत में सारी कहानियां एक जैसी बन जाती है। जरूर कहा होगा कि लड़की की कमाई लाखों में है, शादी करके लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ अब सुनो, मुझे तो लगता है ये लड़कों वाले की तरफ से। चलो चलते हैं। अरे नहीं, तुम्हारी कहानी तो मेरे जैसी है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? ये तो सबके साथ होता ही है। अब दीपू, तो तुमने क्या किया? तो तू आ गया? हाँ। रोज ऐसी मेहनत करेगा? वो तो करना ही होगा अंकल। नींद तो अच्छी लेता है ना? हाँ। इन्हें अच्छे से साफ करना वरना बदबू आएगी इसमें से। अगर तू रोज ही ऐसे ही मेहनत करने लगा ना तो क्लास मिस कर देगा। ये कॉलेज मेरे अंकल का ही है। अब मेरी टांग खींचना बंद कर, मैं यहाँ प्रिंसिपल नहीं वॉचमैन हूँ। आपने कुछ खाया क्या? हाँ खाया मैंने। तूने? मैं तो खा लूंगा। डिब्बों को अच्छे से साफ करना, मैं शाम को जाते समय ले लूंगा। ठीक है। मन लगा के पढ़ना। एक बात याद रखना अंकल, ये कॉलेज हमेशा के लिए है। जय कृष्णा को याद रखेगा। काम नहीं है ऐसा है क्या? और क्या,
अरे पिछले साल तक तो 1 लाख लोगों में से रैंक होना चाहिए था एडमिशन के लिए, लेकिन अब अपने नए सीएम ने ना कुछ नए कॉलेज खोलने के आदेश दे दिए हैं, इसीलिए तुम्हारे बेटे को आसानी से सीट मिल गई। हाँ भाई, किस्मत अच्छी थी इसकी, इसलिए इसे सीट मिल गई। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है क्या? अरे गिट्टो, तो खूब मेहनत कर और कुछ बन जा। हाँ करूंगा करूंगा, अभी आपकी तरह बूढ़ा थोड़ी ना हो रहा हूँ। ये क्या तरीका है, बड़ों की इज्जत करना भूल गए? क्या चाहिए तुम्हारे? हाँ तो और क्या, आप लोग भी अपनी बकवास मत किया करो ना मेरे सामने या मेरे घर पर भी। मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रहा था, अगर तू नहीं पढ़ा ना तो तेरी और इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखिए बासी खाना भले ही हम इंसानों के लिए बेकार होता होगा, लेकिन जानवरों को दीजिए वो खुशी से खा लेते हैं। गंदा पानी वैसे तो काम नहीं आता होगा, लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। इस दुनिया में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, हर चीज का कोई ना कोई महत्व होता है। वाह बेटा, तू तो प्रवचन देने लगा। चाचा, आज से 10 साल बाद जब मैं सचमुच कुछ बन जाऊंगा ना, तो आप ही मेरे साथ पिक्चर के लिए आओगे। भाभी, कॉफी। थोड़ा रुकना होगा। कितना? 5 मिनट। वो अभी तैयार ही हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसका आईने से प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मेरे साथ ही सोकर उठे। मैं तैयार हो गई, घर की सफाई कर दी, नाश्ता भी बन गया, पर वो तैयार नहीं हुए। औरतें आईने के सामने ज्यादा वक्त बिताती हैं, लेकिन ये तो हमें टफ कंपटीशन दे रहे हैं। देखो देखो कैसे कर रहे हैं। भाभी, अगर मेरे भाई से शादी के लिए सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आप भी इनकी तरह जॉगिंग के लिए जाती। उसे जाने दो ना, हर रोज जॉगिंग के लिए जाते कहाँ हैं? आज तक मुझे पता ही नहीं चला। क्या पता कि ये जॉगिंग के लिए जाते ही ना हो। आपको कभी डाउट नहीं हुआ? कभी नहीं, फिट रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कैसे हैं भैया? तुम्हारे पिताजी ऑफिस चले गए? वो तो कब के स्टेशन चले गए। चलो, मैंने सुना है तुम्हारा कोई लव स्टोरी का चक्कर चल रहा है, सच है क्या? तुमने अपने पिताजी को बताया? मैं अब तक बता नहीं पाई भैया, हिम्मत नहीं है मुझ में। आखिर मैं किस लिए हूँ? तुम्हें भी उन्हें बताना चाहिए। सच में? लड़के का नाम अभी अभिराम है। और बताओ उसके बारे में। वो हमारे मंदिर के पुजारी का बेटा है। ओहो, अच्छा समझ गया, इसीलिए तुम रोज मंदिर जाती हो। यानी श्रद्धा भी प्यार के लिए काम कर रही है। वैसे तुम पुजारी के बेटे की बात कर रही हो। वैसे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हर कोई आधा नारियल चढ़ाता है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही मांग रहा है। मुझे नहीं लगता अंकल मानेंगे। वैसे वो कितना पढ़ा लिखा है? उसके पास डिग्री है भैया। ओहो, डिग्री है। वैसे डिग्री तो सभी बनवा लेते हैं आजकल। मुश्किल है तुम्हारे पिताजी मानेंगे। कोई और खूबी? वो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन है भैया। ओहो, क्रिकेट। क्रिकेट स्पोर्ट्स में है। कुछ और है उसके पास? बोलो। स्पोर्ट्स कोटा से उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगले महीने टूर्नामेंट है, उसकी तैयारी कर रहा है वो। उसके बाद उसके पापा से बात कर सकते हैं। वैसे हैंडीकैप कोटा से जॉब जरूर मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे पापा फिर भी नहीं मानेंगे। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वो क्रिकेट टीम का कैप्टन है भैया, वो कोई हैंडीकैप नहीं है। नहीं बेटा, मुझे पक्का यकीन है वो सच में हैंडीकैप्ड है। नहीं भैया, तुझे पता ही क्या है, मैंने उसके हाथ तोड़े हैं। मुझे पता है कल तू उसे मिली थी और मैं उसे कल रात को मिला। अब तू उसे पूरी दुनिया में कहीं भी लेकर चली जा, लेकिन उसके हाथ कोई ठीक नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है? लेकिन आप लोगों को उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, प्लीज भैया। बेटा, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग नाम का एक आदमी था,
उसने ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करके चांद पर कदम रखा, लेकिन तुम बच्चे आसमान को ही अपनी लिमिट मानते हो। सिर्फ आसमान से खुश हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पूरा अंतरिक्ष मिले, इसलिए अपने बड़ों की बात मानो। जैसा पिताजी बोलते हैं वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी बेटी को डरा के उसके दिमाग में काम की बात डाली। रमेश जी, एक आदमी जिसकी एक ही बेटी हो और एक आदमी जो समुद्र किनारे खड़ा है, दोनों की कंडीशन एक ही होती है। हमें लगता है कि समुद्र का पानी हमारे पैर धोने और हमें शांत करने आता है। सर, लेकिन बिना भनक लगे कि पानी हमारे पैरों के नीचे की रेत को धीरे से खींच के ले जाता है। ये आजकल के कमीने लड़के प्यार का खूबसूरत छलावा करके हमसे हमारी लड़कियों को दूर ले जाते हैं। सही कहा सर, समंदर, पेड़, झाड़ियां, ये बच्चे जैसे इनको देखते हैं तुरंत शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही सर, ये बीच भी लवर्स पॉइंट के नाम से फेमस है। यानी हमें प्रकृति का रक्षण करना ही होगा, हम करेंगे। आप यहां पर पैनी नजर रखो। जरूर सर। मुंडी ऊपर, थोड़ा नीचे, ऊपर। आभास, ए ये क्या एक्सप्रेशन है रे? कैसा लगा ये? अबे तू शैतान का साला लग रहा था। तो रुक, हाँ नीचे देख, नीचे थोड़ा ऊपर देख, मुंह बंद कर हंस, साला चबन चुकेगा। भाई ये क्या बोल रहे हो भाई? मैंने कहा कि पप्पी की तरह बहुत क्यूट लग रहा है। पप्पी मतलब हिंदी में कुत्ते का बच्चा होता है। चल हंस अब। देख कोई भी मेरी तरह पिक्चर नहीं खींच सकता है। भाई ये फोटो अच्छी आएगी ना? जब तू टपक जाएगा ना तो तेरे श्राद्ध पर यही पिक्चर रखी जाएगी और तब मुझसे कहना ये पिक्चर अच्छी है या नहीं। कोई है क्या? कोई है? अरे बालू, तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? नहीं, क्यों? अरे कुछ नहीं, हमारे पुलिस फोटोग्राफर को पीलिया हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड कुछ पिक्चर निकाल दें। हे, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या तू? तुम्हें मेरा बाप चाहिए या फोटो? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। एक मिनट, मैं आता हूँ। अंकल, अंकल क्या मुझे इस पर जाना होगा? और चलाना भी होगा, चलो अब। ये लो, तुम जीप लेकर नहीं आ सकते थे? मैं लेकर आऊंगा, तू कोई फालतू हरकत कर फिर तुझे सरकारी जीप करवा दूंगा। वो मौका भी नहीं मिलेगा। तू हमेशा पनौती वाली बात क्यों करता है? नमस्ते सर। ये कैसे हुआ? इसने पेस्टिसाइड पिया और खुद को फांसी लगा ली। लटकने से नहीं, पेस्टिसाइड से। मुझे लाशों से डर लगता है, मैं फोटो नहीं ले सकता, मुझे जाने दो। देख क्या है कि बाला, हमारे पास कोई दूसरा फोटोग्राफर नहीं है, प्रेस को भेजनी है। मतलब मेरी खींची हुई फोटो पेपर में छपेगी? हाँ। 50 रुपीज। 30 क्रेडिट देना पड़ेगा। तुझे पता ये एक मर्डर कैसे? ये क्रेडिट मैं तुझे दे दूँ तो फ्री में करेगा? नहीं, जाए तो ये सोडा पिला देना। पहले काम खत्म कर। इस पर लाइटिंग सही नहीं है। ए, चुप रहे, इसका फोटो कल पेपर में छपेगा। क्या इसने कभी सोचा होगा कि पेपर में दिखेगा ये? ए, इधर मोड़। अबे तू एक मरे हुए आदमी की लाइटिंग एडजस्ट कर रहा था पागल। अबे शुक्र मान कि इसने उसका मेकअप नहीं किया। उसे स्टूडियो लेके जाना चाहिए था प्रॉपर पिक्चर लेने के लिए। तुम्हें मजाक लग रहा है? साले बचपन से ही मैंने तुझ पर एहसान किया है क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यही मेरी गलती थी। एक मिनट,
अभी तो लास्ट पार्ट की प्रैक्टिस हुई ही नहीं। हाँ वो मैं संभाल लूंगी, मैं ही लीड करूंगी। ओ लेकिन वो तो मैं करने वाली थी। तू? मैं ये 12 साल की उम्र से करती आ रही हूँ, लेकिन इसके बारे में हमें किसी ने बताया ही नहीं। हमें लगा दीप्ति ही देवी के पार्ट को अच्छे से करेगी। हाँ मैं ही करूंगी इसे, और सब लोग कहते हैं कि मैं ही देवी के कॉस्ट्यूम में सबसे अच्छी लगती हूँ। अच्छा तो लुक टेस्ट करके फैसला लेते हैं। हाँ करते हैं फिर। हाँ तो तू पहले जा, मैं बेस्ट हूँ तो लास्ट में आऊंगी। सिनेमा के अंदर कॉलेज में बहुत लड़के दिखाते हैं, पर हमारे यहाँ कॉलेज में एक भी सुंदर लड़की नहीं है। सच बोल रहे, एक भी नहीं है क्या? कुछ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लड़की है पद्मा, उसकी आंखें सितारों से ज्यादा चमकती है। सही बात है, तुम दोनों साथ में बहुत जमोगे, ऐसा लगेगा कि हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे हैं। नहीं नहीं, गुलाब जामुन रसगुल्ला, एकदम स्वीट लव स्टोरी। अबे मुझ पर मत जोक मार रही, तुझे वार्निंग दे रहा हूँ मैं, वरना तेरी गुलाब जामुन फोड़ दूंगा। अच्छा सुन बे, तू किसी को पसंद करता है? तुझे अपनी क्लास की सुनीता पता है? अबे वो, अबे तुझे उसके पेपर्स का मार्क पता है? 225। और कभी उसे इंग्लिश बोलते हुए सुना है क्या? लगता है जैसे अंग्रेज की पैदाइश है। और कभी खुद को इंग्लिश बोलते हुए सुना है? ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों से बदला ले रहे हैं। अच्छा तू वो लड़की, एक काम करते हैं, एक मिनट के लिए तू इंग्लिश बोलकर दिखा। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। बस कर, तेरी यही रेंज है ना, जब तू उस लड़की को देखता है ना तो तेरे खड़े हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? शरीर की बाल रहे। कुछ थम्स या बम्स कहते हैं। गुड बम्स। हाँ गुड बम्स, गुड बम्स, बस वही तो सच्ची फीलिंग है। माचिस की डिब्बी कहाँ है? माचिस का है, चलना चल के टेरेस पे पीते हैं, जहाँ सीनियर्स पीते हैं उन्हीं से मांग लेंगे, और क्या। सही बोल रहा है तू, जाब लेकर। मैं नहीं जाने वाला। तू टेरेस से सबसे नजदीक है, तू लेकर आ जा। उधर उधर सीनियर की नजर में मत आना वरना रैगिंग कर देंगे। प्रेशर पार्टी तक बर्दाश्त करना होगा। ये तो बस छोटी सी रैगिंग है यार, और फ्रेशर्स की पार्टी है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। हाँ एकदम सही है। के बाद याद से अपनी नजर उतार लेना। आशीर्वाद दो कि मैं आज उससे अपने दिल की बात कह सकूं और वो हाँ कह दे। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ। तू तो यहाँ कभी नहीं आता है मजे करने के लिए, आखिर तू आजकल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है?
हर किसी की जिंदगी में चार अच्छे दोस्त होते हैं। एक जो आदतें सिखाते हैं, दूसरे वो जो जरूरत पड़ने पर पैसों से मदद करते हैं, तीसरे जो आगे साथ बड़े होते हैं, और चौथे वो जो प्यार के लिए मदद करते हैं। अब ये चारों ही दोस्त मुझे तुझ में नजर आते हैं बालू। ए, कितना भी रगड़ ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, काम कर जरा काम कर। वैसे मुझे एक डाउट है, क्या तुम भी उससे प्यार करती थी तब? ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन नजर गई थी मेरी। वैसे मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। कॉलेज आने से पहले वो हर रोज गांव में दूध देने जाता था। मैं कॉलेज पहुंचते ही उसे ढूंढने लगती थी। दूध वाले के घर के बाहर अगर बर्तन है तो इसका मतलब कृष्णा कॉलेज आया है। ओए, 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 मतलब तुम्हें भी इंटरेस्ट था उसमें? मेरी बात सुनो भाई, जैसे लड़कों का स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एडिक्शन होता है, वैसे ही लड़कियों का भी होता है। हाँ, अगर हमने देख लिया कि लड़का हमें चुपके से देख रहा है, तो हमें बस इतना डर होता है कि कहीं वो हमें घूर तो नहीं रहा। ऐसा हुआ तो बहुत नफरत हो जाती है, बहुत। अच्छा बहन बताओ, क्या उसने प्रपोज किया था? उसने किया होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। अबे यार, तू उसे कॉलेज में क्यों लेके आया था? अबे 5 मिनट रुकना भाई, आता हूँ। अरे बात तो सुन। क्लास के टाइम कोई भी स्टूडेंट कैंपस के बाहर जाता है? नहीं सर। पीछे के ग्राउंड पर खास ध्यान रखो। हाँ ठीक है सर। शराब बंद होने से बच्चे कोल्ड ड्रिंक में टैबलेट मिलाकर पीते हैं, बेवकूफ कहीं के। वो किसान मुझे शिकायत करता है। मैं देख लूंगा सर। कुछ बच्चे टेरेस पर स्मोकिंग करते हैं, हमारे एक टीचर ने मुझे कंप्लेंट की है। सर मैं यकीन दिलाता हूँ दोबारा ऐसा नहीं। क्या करोगे तुम? आखिर तुमसे ज्यादा मुझे कैसे पता है ये सब? सर आओ घूम के आते हैं। ठीक है सर। कौन सा ईयर? सेकंड ईयर सर। यहाँ क्या करने आए थे? वो डस्टर लेने आए थे सर। क्या डस्टर? डस्टर के लिए आए हो? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो नालायक को। ध्यान से देखिए। सॉरी सर। तुम कल अपने पेरेंट्स को ले आना। क्या हो रहा था यहाँ? मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था सर। गर्लफ्रेंड? ये कॉलेज को पब्लिक पार्क समझ रखा है? चलो सर, जाने दीजिए ना सर। सर प्लीज सर। सर आप सबके सामने ऐसे इंसल्टिंग कर सकते हैं, ये गलत है सर। मुझे अपने डैड को बुलाना पड़ेगा। ओ, यहाँ खड़े रहना बेइज्जती लग रही है। ठीक है बैठ जाओ। सर बैठ जा। नीचे क्यों बैठ रहे हो? उठो खड़े हो जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ। सर 5 मिनट बैठो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। रिलैक्स। आपने तो 5 मिनट कहा था लेकिन 15 मिनट तक बैठाया, ये गलत है सर। 15 मिनट? पता है तुम कितनी देर खड़े हो? सिर्फ 2 मिनट और 15 सेकंड्स। यहां से पनिशमेंट और भी कड़ी होती जाएगी। जाओ, गो टू योर क्लासेस। पूरा कॉलेज एक ही बात कर रहा है भाई, आखिर उस बुड्ढे ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत क्यों किया? अच्छा इंसान बनने में समय लगता है लेकिन हीरो बनने में वक्त नहीं लगता। तुझे फिर से चमकाने वाला कोई बकरा चाहिए। मुझे बस एक बंदर चाहिए। प्लान बस इतना है कि ना उस बंदर को पता होगा और ना ही पब्लिक को पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर तो मुझे ही ढूंढना होगा, वो खुद तो नहीं आएंगे चल के अपने पास। क्यों नहीं? हाँ सही कहा, हमें अपना लैब मंकी मिल गया। बाकी सब लोग कहाँ है? वो बस आने ही वाले होंगे। ठीक है, क्या है ये सब? अरे हमने एक बार फ्रेशर्स की पार्टी के लिए अच्छा परफॉर्म क्या कर दिया? वो तो हर इवेंट की शुरुआत हमसे ही करवाना चाहते हैं। दिस इज टू मच। जैसे बस का ड्राइवर होता है वैसे ही हम इस फंक्शन के लिए हैं। हमारे बिना ये फंक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा, इसीलिए अपना स्पॉट तो फिक्स है।
ए, चल कॉस्ट्यूम पहन लो फिर चल के कैंटीन में प्रैक्टिस करते हैं। मुझे लिमका भी पीना है। अरे तूने वो क्यों पहना है? वो मेरा है। लीड डांसर रेड पहनती है। सही कहा, लीड डांसर रेड पहनती है। किसी ने मुझे धक्का दे दिया था सर। सारी मस्ती उतारता हूं तेरी आज। मैं ऐसा लड़का नहीं हूं, प्लीज मुझे छोड़िए। मैं ऐसा क्यों करूं तो बताइए ना। सर प्लीज सपोर्ट करिए। नहीं सर ऐसा मत कीजिए। लड़कियों को छेड़ता है तेरी सर्विस से हुई बे। सर मुझे किसी ने धक्का दिया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब। प्लीज सर जाने दीजिए ना, मुझे क्यों मार रहे हो आप सबके साथ। हटो सब हटो, रुक जाओ ए दरबार, रुक जाओ। सर ये कॉलेज मेरे लिए मंदिर है सर। इस मंदिर में एक बार प्रेमी तो आ सकते हैं, लेकिन लड़कियों पे गंदी नजर रखने वाले हरामखोर नहीं सर। एक बार जरा देखिए उसे, उसके चेहरे से ही लगता है कि वो हरामखोर है। सर इसे अगर आज आप पनिशमेंट देंगे ना तो ये आगे से ये डर करके रहेगा और कोशिश करेगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो। फिर गलती करने के पहले 100 बार सोचेगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए सर। ए, तू पहले गाना बंद कर। भाई लगता है तेरे अंकल ने तेरे बाप को सब कुछ बता दिया। वो नहीं बताएगा, मैं उसके सामने गिड़गिड़ा चुका हूँ, इसके लिए उसको हॉस्टल में लेकर आया हूँ। मुझे तो लगता है उन लोगों ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। अब ये क्या कर रहा है यार? अरे तुझे क्या हो गया अब? तू नहीं जानता, वो मुझे बार बार काला बुला रहा था। इसका क्या मतलब होता है बता? कि जो गोरे लोग हैं वो कभी कुछ गलत नहीं करते हैं क्या? अबे चेहरे के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती तो गलती होती है। तू इसलिए दुखी हो गया कि तुझे काला कह के बुलाया था कि तुझे बिना वजह मारा था? मेरी कोई गलती नहीं थी यार। अरे रंग से क्या होता है, अच्छा दिल ही काफी है। फालतू बातें मत किया कर तू। अच्छा दिल ही काफी होता तो अपने कमरे में गोरा होने की क्रीम क्यों रखी है? ए, मैंने अभी अपने कानों से सीनियर्स को बात करते सुना कि तेरी बेइज्जती करने के लिए धर्मा ने जानबूझकर किया। इसकी तो मुझे तो लगता था ऐसे कमीने लोग सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं, लेकिन हकीकत में भी होते हैं। कभी कभी फिल्म की कहानी हकीकत हो जाती है। देख दोस्त, अब बदला लेने के लिए तू जोश में मत आ जाना, क्योंकि तू चिरंजीवी नहीं है जो सबको धो देगा। अगर तूने ऐसा कुछ सोचा ना तो रख के दूंगा मेरे कसम का। अरे मैं क्यों जाऊंगा उन्हें मारने? मैंने बोला ना कसम खा। अरे हाँ ना यार तेरी कसम। आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे, आपको कॉलेज में किसी से प्यार हुआ था क्या? तू ना सो जा दीपू, तेरे एग्जाम्स हैं। क्या कभी किसी ने आपको इम्प्रेस किया है? इम्प्रेस करना आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। समझ गई, खुल के बताइए। प्यार का कीड़ा, सुना इसके बारे में? हाँ। तो ये बता कि उसकी जिंदगी कितनी होती है? 45 दिन? 15 साल होती है। लेकिन फिर भी कुछ ही सेकंड्स में हम उसे मसल के मार भी सकते हैं। प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है। कीड़े को कुचल दिए जाने के दर्द का पता होता है। क्या अब आपको इन बातों का बुरा लग रहा है? क्या आप मेरे भाई के साथ खुश हैं? शादी में कुछ झगड़े तो होते ही हैं, कुछ बातों से खत्म हो जाते हैं और कुछ बेल्ट तक पहुंच जाते हैं।
और रात में फिर उन्हें जरूरत पड़ जाती है। उनकी सिगरेट, दारू सब झेलना पड़ता है और सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता अगर हम लव मैरिज करें तो। सब बकवास है, बेकार की बातें हैं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, एक बार शादी हो गई तो सब एक सा रहता है। शादी में प्रॉब्लम होने के बाद शादी करना खत्म तो नहीं होता ना, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। क्या सच में ये सब आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये सोचने का टाइम ही नहीं है लड़कों के लिए। प्यार में धोखा खाने के बाद जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक एक ही काम होता है, अपनी प्रेम कहानी सुनाओ जो उसे सुन रहा हो। लेकिन हमारे लिए अलग बात है, जब तक प्यार का पता चलता है तब तक हमारी शादी हो चुकी होती है। हमारे फ्रेंड्स आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और शादी के बाद किसी और मर्द के बारे में सोचना भी पाप होता है। हाँ सही कहा। ऐसे ही मर्द अपना दर्द दिखाने के लिए मूवी बनाते हैं और हमारी कहानी अनसुनी रह जाती है। अच्छा एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से सच्चा प्यार क्या होता है? अगर कोई हमें सच्चा प्यार करता है तो वो सारी हदें पार कर सकता है, इसका मतलब प्यार है। अब सो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। नाम? जय कृष्णा सर, मैकेनिकल ब्रांच। तुम्हारे घाव कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, ठीक हो जाएगा। लड़कियों ने बताया मुझे कई बार गलती ना होते हुए भी अक्सर हमें चोट मिलती रहती है और लोग उसे एक्सीडेंट कहते हैं। इसे भी एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाना। कृष्णा, इस ऑफिस की दीवारों ने किसी न किसी वजह से मुझे वार्निंग देते हुए सुना है, लेकिन पहली बार मैं तुम्हें पूरी सेफ्टी की गारंटी दे रहा हूं, चिंता मत करो। ठीक है? थैंक यू सर। वैसे मैंने तुम्हारी हायर एजुकेशन पर स्पीच सुनी थी, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा था। तुम्हें आने वाले बहुत खास इवेंट में स्पीच देने का मैं मौका दूंगा। ओके? जी हाँ सर। ओके सर, यू पीपल कैन लीव नाउ। हमारे साथ हमने ऐसा क्या किया? हमें ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? हमने जो प्रिंसिपल से शिकायत की थी आपकी, अब हमें उसके लिए बुरा लग रहा है। मेरी बेइज्जती 100 लोगों के बीच हुई थी, जिसे कुछ लोगों के बीच कहे गए सॉरी से भुलाया तो नहीं जा सकता है। मेरी सारी इज्जत तो बर्बाद हो गई। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है कृष्णा जी। फिलोसॉफी कहीं और जाकर बताना। रहने दो, किसी से भी मत कहना। चल। आपका बंदा तो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लगता है। वक्त लगता है, एक खूबसूरत तितली को भी पैदा होके तितली बनने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है। दुर्योधन पापी। अबे, तू भीम नहीं है, जामवंत है। हाँ ठीक है, आज तक मेरे सारे टैलेंट्स को दिखाने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन अब वक्त आ गया है, सब मेरी तरफ देखेंगे परफॉर्मेंस देखने के बाद। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू कैसी परफॉर्मेंस करेगा, लोग मेरी बात करेंगे। अबे जामन तो बहुत जरूरी कैरेक्टर है यार, लोग मेरी बात करेंगे। पेट्रोल डीजल भले ही एक साथ बेचे जाते हैं, लेकिन कहते हैं तो पेट्रोल पंप ही ना। सुनो सुग्रीव, जरा यह ध्यान देना, हमारा कभी कभी एक्टिंग करने वाला एक्टर आज बड़ी बड़ी फेंक रहा है, आखिर इसको मेन कैरेक्टर जो मिला है मुंह तो खुलेगा ही। यार इसको तो लग रहा है कि यही हीरो है। अबे मैं कोई नायक नहीं हूँ, बस कहानी का एक किरदार हूँ। हाँ हाँ वो मैं देख रहा हूँ। बस बस रिहर्सल का वक्त हो गया है,
आओ चलो रेडी चलो शुरू करें। हनुमान जी जाम्बुवंत, सीता माता को मुक्त करने के लिए लंका जा रहे हो, संभल के जाना। जी अवश्य। यदि कोई समस्या हुई तो हमारी वानर सेना अंधेरे को चीरते हुए तुम्हारा रक्षण करने के लिए पहुंच जाएगी। मैं धन्य हुआ जाम्बुवंत जी। हे रावणा, हमारी सेना आ रही है, ये तुम्हारी ईंट से ईंट बजा। अबे अबे यही तो डायलॉग थे ना यार। ये सब क्या है यार, तू डायलॉग ऐसे बोल रहा है, सुनने में लग रहा है जैसे तू कोई गाली दे रहा है। क्या मुसीबत है यार। ए, कहां जा रहा है, हमें देर हो रही है यार। ए बालू सुन तो मेरी बात। अभी तू ऐसे गेटअप में इतनी गालियां कैसे दे सकता है? हां ठीक है, नहीं बकूंगा। ऐसी भाषा दोबारा मत करना, लोग अब तुझे गिरी नजर से देखते हैं। सॉरी यार, मेरी वजह से परेशानी हुई है ना। लोग तेरे बारे में शिकायत कर रहे हैं मुझे। मैं बिना गाली की बात नहीं कर सकता, सॉरी नहीं होगा। मेरे लिए भी नहीं कर पाएगा क्या? मैं गालियां दिए बिना नहीं जी सकता हूँ, लेकिन खाए बिना जी सकता हूँ। नहीं, कसम खा गाली नहीं देगा। ठीक है, एक तरीका सीख ले, गाली का मन हो तो गाली वाले शब्द बीच में रोक कर उसके जैसे लगने वाले दूसरे शब्द को बोल दिया कर, बस हो गया। हाँ, ये लगता है कि काम करेगा। अबे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग हम लोगों से पहले परफॉर्म करेंगे कल। ए! ए, सीनियर बुला रहे, तुझे दिखा नहीं क्या? इधर आ। हम तो बस तुझे मजे के लिए काला बंदर कह के बुला रहे थे, अब तो तू सच में काला बंदर बन गया भाई। और तुम लोग को देखकर लगता है तुम लोग यहाँ काम करते होंगे। अबे हम ब्रिटिशर लोग बने हैं। अच्छा, ये उनका कॉस्ट्यूम है क्या? ओहो, ब्रिटिश कैटरिंग सर्विस है। ए भाई, जाने दो ना यार। मैं तुझे मार दूंगा। अबे किट्टू या? ए, ये क्या कर रहा है तू? अपना गुस्सा शांत कर रहा हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुझे वादा किया था मैं उन्हें नहीं मारूंगा। ए, मेरी तरफ देख, रुक जा। तोड़ वादा, मार सालों को। अरे इसको दोबारा क्यों पीटना है? हाँ। पे हाथ उठाएगा। दोस्तों, जब तक लाइट वापस नहीं आ जाती उसे मारना नहीं, मैं चाहता हूं वो खुद को पीटते हुए देखे। ठीक है, है? अरे किसी ने बंदर का मुखौटा क्यों नहीं पहना है? मुंह की क्या जरूरत है, ये तो इनकी लंका जलाने का वक्त है। क्यों हनुमान? सही कहा जाम्बुवंत, तशरीफ तोड़ने का असली वक्त आ गया है, आसन सुन्न हो जाएगा। आजा आजा।
कमीना बोला था। अबे अंग्रेज की नौजायज औलाद, चल। बहुत मारा रे। यार लड़ाई तो कमाल की थी, ये तेरा है क्या? साला झोपड़ी वाला कहीं का। ए धर्मा, जिस वक्त हमने तेरी उम्र का लिहाज करना बंद कर दिया ना, फिर जूनियर सीनियर कुछ नहीं होगा, सबको सबक सिखाएंगे। अब तुम लोग और हम लोग बराबर हैं क्या? मैं रोज अपनी कार से कॉलेज आता हूँ और तुम लोग सुबह सुबह साइकिल पे दूध देने जाते हो, एक कैसे हुए? अपनी औकात देख के बात किया कर। सही बोला तू, तेरा बाप तुझ पे पैसा फेंकता है इसलिए ऐसा है तू, लेकिन मैं यहाँ अपनी काबिलियत और रैंक की वजह से हूँ, समझा? तो दोनों एक कैसे नहीं हो सकते? तू अपनी औकात से एक माचिस के डिब्बे भी नहीं खरीद पाएगा, कितनी गरीब जिंदगी है। मेरे बाप को पीछे मत ला। उस रात तेरे बाप को घर पे नहीं जाना चाहिए था। ए गिट्टो, क्या बक रहा है? मुझे बोला गाली ना दूध, तू क्या कर रहा है? इसके पिताजी सच में उस रात घर नहीं गए थे। नहीं नहीं नहीं, सब चुप हो जाओ। इसके पिताजी सच में बहुत महान है, वो आज तक अपने पड़ोसी के बच्चे को पाल रहे हैं। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग। जा रे जा। मां कहते हैं बातों से लड़ाई खत्म होती है, लेकिन लड़ाई ही बातों की हो जाए तो क्या होगा? जैसे अभी हो रही है, तू मेरे सर के बाल बराबर भी नहीं है। अरे किड्डू किड्डू, मेरी तो सुनते जा। हाँ चल ठीक है, ये तो अच्छा लड़का है इसलिए सर के बालों की बात कर रहा था। तू तो जानता है मैं काह के बाल काह कर दूंगा, मुझे अंडे खाने हैं, चलो। दिखाऊंगा तुझे मैं। क्यों, तू लड़की है क्या? कब तक अपनी खुद की खिंचवाएगा मैं? हेलो। हाय। क्या तुमने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखा? कितना परसेंट आया तुम्हारा? 71% आए हैं। ओ, मेरा तो 91% आया। बहुत अच्छे। अटेंडेंस की वजह से आए क्या? नहीं, परसेंटेज। ओ अच्छा अच्छा। तो मैंने कॉलेज में टॉप किया है, तो मैं एक छोटा सा ट्रीट देना चाहती हूँ। तुम भी आओगे ना? ठीक है। शाम को 5 बजे कॉलेज के बाद, भूलना मत। हाँ, पार्टी में जरूर आना। ओके बाय। कल तुम क्यों नहीं आए? हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया था, तो बाबा को मॉरल सपोर्ट देने के लिए मुझे रुकना पड़ा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, आज लंच के लिए कैंटीन में आ जाना, पार्टी है तुम्हारे लिए। ठीक है, आ जाऊंगा। मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं पर मिल सकता हूँ? साइकिल की टायर पंचर हो रखी है ना, तो फिर और कहाँ जा सकते हो तुम? तुम्हें मेरे साइकिल के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही तुम्हारे साइकिल की टायर पंचर की है। अगर तुम्हें नहीं आना है तो सीधे मना कर सकते हो, लेकिन जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं जानती हूँ तुम 1 साल से मेरे पीछे पड़े थे, मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान होगे, तुम मुझे उन गधों की तरह परेशान नहीं करते थे, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचती थी, मैंने तो प्रिंसिपल के सामने भी तुम्हें बचाया था, पर थैंक्स बोलना तो भूल ही जाओ, तुम तो मुझे एरोगेंट लुक देकर निकल गए। मैं तुमसे मिलकर बात करके सब कुछ सही करना चाहती थी, इसीलिए पार्टी की बात कही थी, लेकिन तुम आए ही नहीं।
फिर लंच के लिए कैंटीन में आने के लिए कहा, वहां भी नहीं आए। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया तुम्हारे इंतजार में। दूसरों की भी फीलिंग्स की ना इज्जत करना सीखो। तुम्हारे लिए थोड़ी सिंपैथी थी, लेकिन तुम्हें तो दिखावा ही करना है। एक मिनट, जरा रुक जाओ तो। कब से देख रहा हूं बस बोल रही हो, जो मुंह में आए बकती जा रही हो। मुझे तुम्हारी सिंपैथी से क्या लेना देना? सिंपैथी मांगी है किसने तुमसे? ये सिंपैथी जो होती है ना, ये गरीबों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए होती है। उनके लिए ये सारी भावनाएं ठीक लगती हैं, लेकिन मुझे ऐसी भावनाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या सोच रही हो, मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूं क्या? क्या तुम्हें भिखारी नजर आता हूं क्या मैं? आखिर तुम्हें मैं क्या लगता हूं बोलो? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे एक बार बुलाने पर मैं दौड़ कर आऊं क्या? क्यों इतना डिमांड दूं तुम्हें? कैंटीन के लिए, पार्टी के लिए, ये सब कुछ उल्टा करके देखो। अगर एक लड़का यही सब करता है किसी लड़की से, तो उसको जेल में डाल देते। तुम तो रो रहे हो। तो अब तक की हीरोगिरी क्या थी? वो सब झूठ था। हाँ तो और क्या, तुम जानती हो मैंने तुमसे पहली मुलाकात के बारे में क्या क्या प्लानिंग की थी। रेत, समंदर, हवा और अभी यहाँ मिट्टी और ये बस स्टॉप। तुम्हें याद है तुम्हारा बर्थडे बैनर जो तुम्हारे पेरेंट्स ने छपवाया था, उसका क्या हुआ? उसका बोलो, गायब हो गया है। पागल कहीं के। सॉरी, वो मेरे घर पर है। एक आम आदमी की याददाश्त अपने माँ बाप के अलावा किसी और इंसान के चेहरे को याद रखने के लिए बहुत कमजोर होती है। मैं तुम्हारे चेहरे को कभी भूलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे बैनर को चुरा लिया। प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो जो थैंक्स वाली बात थी, वो तुम्हें क्या लगता है तुम किसी पर एहसान कर रही हो क्या? तुमने तब बात की होती जब धर्मा मार रहा था, तब शायद मेरी इज्जत बच जाती। देखो मेरे चेहरे से मेरी भावनाएं ठीक से नहीं झलकती हैं। तुम्हें लगा मैं गुस्से में था क्या? पर मैं नहीं था, बस थोड़ा अपसेट था। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो इजहार क्यों नहीं करते? खुद सोचो, मेरे जैसा काला लड़का तुम जैसी गोरी लड़की को प्यार करे, इस पर तो अपने खुद के दोस्त ही मजाक उड़ाएंगे। एक बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, एक बोलता है गुलाब जामुन की जोड़ी है, और कुछ तो कहते हैं कि बस सपने में हिला। कुछ नहीं, सॉरी, मुझे लड़की के सामने गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करो तो सबके सब तुरंत जज करने लग जाते हैं हम लोगों को। मेरे हिम्मत की, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल की धज्जियां उड़ जाती हैं। और ये लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन अब मैं क्या करूं इसका? बस चुप रह सकता हूं और तुम्हें दूर से देखता रह सकता हूं। मेरी जिंदगी वो वहां पर लटक रही स्ट्रीट लाइट की तरह ही है, या किसी सिनेमा घर में लगे हुए बल्ब की तरह। लेकिन इन लाइट का कोई मतलब नहीं है, यहां तक कि ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें ना मिलने का फैसला किया था। मैं तुम्हें यहां ऊंचाई पर देखना चाहता हूं। खुद भले ही नीचे रहूंगा चलेगा, पर मुझे तुम्हें यहीं देखना है। तुम बस यहीं रहो और आई लव यू। सच्ची, आई लव यू। तुम भी मुझे पसंद करते हो तो वही तुम्हारे वाले बीच पर मिलते हैं इस रविवार, पेडपटम बीच, ठीक 10 बजे। अब तुम समय लेकर आराम से सोचो। सफेद शर्ट लेकर आना। तो सर पे मेहंदी लगा के सफेद शर्ट क्यों पहननी है? जरूरी काम करने के लिए अच्छी ड्रेस कोड होना ही चाहिए। अजीब है। ये आकाशवाणी है, रामराजू परोसने जा रहे हैं बिरयानी। सर आप मुझे ऐसे क्यों मार रहे हैं सर? मेरा जुर्म तो बताइए सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ऐसे घटिया सवाल मत पूछना। मैंने दीप्ति के साथ भाग जाने या किसी को धोखा देने का प्लान नहीं किया था सर। अच्छे से पढ़ाई करके
अच्छे से जॉब पाने के बाद आपसे उसका हाथ मांगने आने वाला था सर। अच्छा तू तो पढ़ाई करना चाहता है, मेरी बहन से शादी करेगा ऐसा क्या? रमेश जी एक काम करो, इसकी पढ़ाई की नई शुरुआत। सर 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 मेरी पढ़ाई है, ऐसा मत कीजिए सर प्लीज सर। सर 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 मेरी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए सर प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए सर 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 प्लीज रुक जाइए सर, ऐसा मत कीजिए। इसे अच्छे से चलने दे सर प्लीज सर। क्या रहा था पहले, एक बार वो बोलना मेरे लिए। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं सर? क्यों? इस पाउडर के बिना तू मुझे सफेद होके दिखा, उसके बाद में तुझे अपनी बहन खुशी से दे दूंगा। आपको ऐसी बातें करना सहन नहीं हो रहा है। ऐसा क्या? मेरे जन्म के पहले अगर भगवान ने मुझसे पूछा होता गोरा रंग चाहिए या काला रंग चाहिए तो मैं क्या चुनता? गोरा चुनता। उसने मुझे मौका ही नहीं दिया, लेकिन अपना जीजा चुनने का मौका तो है ना मेरे पास, तो फिर मैं तुझ जैसा काला गोरिल्ला क्यों चुनूं? चल वो जाने दे। क्या तू मेरी बहन के बच्चे के लिए थोड़ी सी भी ऐशो आराम की चीजें खरीद सकता है? करूंगा ना सर, प्यार और शादी के लिए रंग जरूरी हो सकता है, लेकिन परिवार की खुशियां लाने के लिए रंग जरूरी नहीं है। मैं हर बार ये डायलॉग सुनकर तंग आ गया हूं। सुन बे, वो बिरयानी लेकर आओ जरा, इसे खिलाओ और इसे वापस भेजो। हम पुलिस वाले बड़े दयालु होते हैं, मारने के बाद पेट भर के खिलाते हैं। हाँ डरो मत, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, खाओ खाओ। रमेश जी। सर ये सूख गया है? अभी सूखने में थोड़ा और समय लगेगा। ओह अच्छा, सूखने में भी टाइम लगेगा। अब जब तुम खा ही रहे हो तो मैं तुम्हें प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी बिरयानी खिलाना चाहता था, तो हमें एक रसेदार बकरी मिल गई, वो इतनी बड़ी थी, हमने उसे पकड़ा और उसके बाद उसका गला काटा। उसके बाद वो रोने लगी। अब मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ, मैं उसके पास गया और मैंने कहा, हे बेचारी बकरी, मुझे बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने रोते हुए कहा, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। और मुझसे कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। आज के लिए इतना काफी था तेरे लिए, चल जाए यहां से, चल। मैंने कल अखबार में पढ़ा था, इंसान का मांस खाने पर अलौकिक ताकतें जाग जाती हैं। अब अगर मैंने तुझे इसके बारे में बात करते सुना ना, तो सुन, मैं तुझे किसका मांस खिलाऊंगा तू समझ सकता है, समझ रहा है? जा। आओ यहां बैठो, कॉफी पियोगी? कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे लिए अमेरिका से दूल्हा मिल गया, 6-figure सैलरी है तुम्हारी, तो अब जिंदगी बन गई। मैंने लड़के के पिता को आज लंच पे बुलाया है, उन्होंने खाने के बाद कुछ पान के पत्ते मांगे हैं। तुम जानती हो मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैंने भी बदले में तुम्हारा हाथ दे दिया। सर ये तो काफी बड़ी है, लड़के की हाइट कितनी होगी सर? उसकी हाइट रमेश जी सर? वो सलमान खान का कौन सा गाना देख रहे थे? देखो मैं हूँ यहाँ। करेक्ट सर, वो एकदम वैसा ही दिखता है, दमदार बाहें उसकी, समझे कि नहीं? सुपर सर, सही कहा, दमदार बाहें, हंसता है तो चेहरे पर डिंपल पड़ते हैं, घुंघराले बाल हैं,
झुककर किसी के भी पैर छू सकता है। ये वो चीजें हैं जो हमें लगता है कि खूबसूरत है, ये सब बंद कीजिए। शादी के लिए दमदार बाहें या गोरा चेहरा नहीं चाहिए, एक साफ दिल चाहिए। रमेश जी, हमने किसी का हाथ तोड़ा था, उसका नाम क्या है? अभी अभिराम सर। वो भी ऐसी दकियानूसी उसी बातें कर रहा था। दिल बड़ा होता है, प्यार महान होता है। एकदम करेक्ट सर। पवन जी, सर मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, लेकिन जवाब देने के पहले बहुत ध्यान से सोच लेना। सर, कोई ऐसा जिसे आप बहुत प्यार करते हो और मर जाए और उसकी बॉडी के आगे आप बैठकर रो रहे हैं और कोई टाइगर आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं तो भाग जाऊंगा सर। तो तुम बताओ मुझे, प्यार बड़ा हुआ या फिर डर बड़ा हुआ? डर बड़ा है सर। अब बोल, तुझे प्यार बड़ा लग रहा है या फिर डर बड़ा लग रहा है? पान मांगा तो सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, तो आज मेरे बर्थडे पे क्या मिलेगा? बोल तुझे क्या चाहिए? हॉल टिकट, मैं एग्जाम देना चाहती हूँ। इंदुकोरी, कंप्यूटर साइंस। जया हे, जया हे, जया हे। क्या यार, सिगरेट का बास आ रहा है? मैं सिगरेट नहीं पीऊं तो और क्या करूं? क्या करूं मतलब? हाँ, आपको बताया बिना टेरेस पर कितने लोग गबा गब सिगरेट पी रहे, आपको पता है इंसानों के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है? ऊपर बैठे कृष्णा को सब पता है कितना नुकसान होता है। ऐसा है क्या? शाम को चलते, उनमें से किसी न किसी को हम पकड़ ही लेंगे। हाँ? अब मेरा हॉल टिकट दीजिए ना सर। मुझे वॉशरूम जाना है। हेलो सर। हेलो हेलो। ए, आजकल तेरा दोस्त क्या कर रहा है? हाँ, उसकी कुछ ज्यादा ही धुलाई हो गई, बेचारा आराम कर रहा होगा। ओहो, मुझे क्यों लग रहा है कि तू कुछ ना कुछ छुपा तो रहा है? मेरी मेरी गाय जैसी शक्ल देखकर लगता है कि मैं कुछ छुपाऊंगा सर? मैं अच्छा लड़का हूँ सर, आप जानते हैं सर। मेरे भाई ने किया है, सॉरी कन्हैया, ये मेरी वजह से हुआ है। इन सब के बारे में भूल जाओ, मैंने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। हम तुम्हारे भाई को बेवकूफ बना के यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन पुलिस का क्या? सीनियर से लेकर जूनियर्स तक, लेक्चर से लेकर पीयून तक, सारा कॉलेज हमारा सपोर्ट कर रहा है। क्या मतलब है? वो सब तो तुमसे नफरत करते थे ना, उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? दीपू, लोग दुनिया में हर कोने में हर तरह के सांप से डरते हैं, लेकिन वही सांप साल में एक बार पूजा भी जाता है, नाग पंचमी पर। आज वैसा ही दिन है हमारे लिए। पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का क्या तरीका है सर? सर, ये तो बहुत सवाल पूछ रहा है। ए बालू। हाँ सर। कई बार जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं और उन पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते हैं, तो हम अपना गुस्सा किसी चीज पर या किसी दीवार पर निकालते हैं, उसको तोड़कर। तो मेरी वही दीवार है, अगर तुझसे कोई भी गलती हुई तो याद रखना। मैं आपकी दीवार नहीं हूँ सर, मैं जाम्बा हूँ। जाम्बा? क्या मतलब? रामायण वाला जाम्बवान सर, मैंने हनुमान को जबान दिए सर। अगर वो कभी किसी भी मुसीबत में होगा तो सारी वानर सेना उसके पीछे खड़ी रहेगी और किसी की भी ईंट से ईंट बजा देगी। वानर सेना? मतलब? अब से बस एक घंटा और, उसके बाद मुझे तुमसे ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यार, अगर वो प्यार करते तो उन्हें शादी करने का हक है, ये कौन होता है? सीटियां बजाने का मौका भी मिलेगा।
हम स्टूडेंट को आप समझते क्या सर? एक आईडी कार्ड पॉकेट में पेन, हाथ में नोटबुक पकड़ने वाला, एक शर्ट पैंट जूते सॉक्स पहनने वाला स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को दिल भी होता है सर, दिल किसी को चाहता भी है और वो शादी भी उसी से करता है। और आपकी जबरदस्ती नहीं चलेगी सर, अब तालियां बजाओ। अब हम लोग 1999 में हैं और आज के समय में भी आप रंग और जाति पाति के चक्कर में पड़े हुए हो सर। क्यों? हमारे सुपरस्टार जिनका बेटा अभी फिल्मों में एंटर हुआ है, क्यूट सा लड़का, क्या नाम है उसका? महेश बाबू। हाँ, आपको लगता है कि आप महेश बाबू की तरह गोरे हैं क्या? मेरे और आपके बीच ज्यादा अंतर नहीं है। आप 3.5 होंगे, मैं 3.75 हूंगा। मैं तो 4 हूं। अब रंग आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, तो सबसे पहले तो आईना आप खुद देखिए। तब भी कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी शादी की फोटो देख लीजिए। मैं आपके लेवल पर तो नहीं आने वाला हूं सर, मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम प्यार की वजह से इस दुनिया में आते हैं और बड़े होते ही हमें एक और प्यार की तलाश होती है। अगर किसी दो में से किसी एक को चुनना हो तो हम अक्सर वो चुनते हैं जिससे हमारे भविष्य का फायदा हो। आपकी बहन ने मुझे चुन लिया है, तो अब इसकी पसंद को बिल्कुल सही साबित करने के लिए मैं उसे लेकर जा रहा हूं यहां से। हम भाग के शादी करेंगे। वानर सेना सम्मान दे। सुपर दीदी। उसके बाद क्या हुआ? क्या लगता है तुम्हें? Now I'm happily married. तुम्हें एक बात बताऊं? मेरा चौथा महीना चल रहा है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। जीतने पर हमें खुशी नसीब होती है, हारने पर हम सीखते हैं। जब कोई हारता है तो वो महसूस करता है कि वो जीत के कितने करीब था और काश वो और मेहनत करता। फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनके आंसू सूख गए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम उस मुकाम पर पहुंचो। चलो, मुझे जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ गया। अब देखना मैं क्या करता हूँ, देखना मैं इसके लिए कैसे जीतता हूँ। हैप्पी जर्नी, आज के लिए और हमेशा के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसका ख्याल रखना। हाँ, बाय। बाय। वो नुवु नैनो फिल्म का क्लाइमेक्स था ना? नहीं जानती, मुझे नहीं लगता यूएस में रिलीज हुई होगी। लेकिन फिर भी तूने सेम स्टोरी बनाई, मुझे भी लगा कि सच है ये सब। उन दोनों को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट, इसीलिए किया। एक इंसान के लिए अंत में सभी लोग एक हो जाएं, उसे जिताएं, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। ऐसा होने का जरा सा मौका होता तो कन्हैया उस दिन जीत जाता, इसीलिए मैं उसकी कहानी को बार बार हैप्पी एंडिंग के साथ दोहराती रहती हूँ। वैसे कहानी काफी अच्छी थी। सच तो बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं है। ऐसे रो मत, वरना मेरा भी रोने का दिल करेगा। बैठो। ये सब कैसे हुआ? अब अगर मैंने तुझे इसके बारे में बात करते सुना ना, तो सुन, मैं तुझे किसका मांस खिलाऊंगा तू समझ सकता है? समझ रहा है? जा।
मेरे सर्टिफिकेट जला दिए चलेगा। तेरी बहन का ख्याल रखने के लिए गटर तक साफ करने को तैयार हूँ मैं। जी सर। वो सारी बातें छोड़ो, तुम कैसी हो? उन्होंने मुझे विजयवाड़ा भेज दिया था। मेरे भाई का दोस्त वहां को बताई, उन्हें लगा कि मैं कोई बहाना बना रही हूँ यहाँ वापस आने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे भाई को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे माफ करना। हाँ? क्यों? मैं पढ़ाई करना चाहता था, जॉब पाके तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता था अच्छे से। उसने मुझसे मेरा एजुकेशन छीन लिया। अपनी मेहनत से अपने पैरों पर मैं फिर से खड़ा हो जाता, लेकिन उसने मेरे पैर ही तोड़ दिए। उसने मुझसे मेरी प्यारी लक्ष्मी तक छीन ली। जब मैंने लड़ने की कोशिश की तो हालात ने मुझे और भी बुरा बना दिया। अब मैं और लड़ नहीं पाऊंगा। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। मैंने कोशिश की तो वो बोले मैंने अपनी औकात के हिसाब से प्यार किया होता तो आज मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। सबने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। सब लोग पूरे साल चांद से प्यार करते हैं, लेकिन अमाउस में उसी से नफरत करते हैं। और ऐसा ही मेरी जिंदगी के साथ है। इससे ज्यादा और कुछ बुरा नहीं हो सकता कि मैं जिंदगी के बहुत से आसान कामों को भी अपने दम पर नहीं कर पा रहा हूं। बस एक साल की तो और बात थी, उसके बाद मैं अपने बाबा का राजाओं की तरह ख्याल रखने वाला था, लेकिन अब तो उन्हें मेरी मदद करनी पड़ती है टॉयलेट तक जाने के लिए। एक जवान बेटा अपने पिता के सर का ताज होना चाहिए, ना कि उनके सर की चिंता। अब मैं और जीना नहीं चाहता हूं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम दुनिया में प्यार की ही वजह से आए हैं, और बड़े होते हुए हम फिर से प्यार की तलाश करते हैं। दो चीजों में से किसी एक को चुनना हो तो वही हमारा भविष्य बनाता है। अगर रंग तुम्हारे लिए इतनी ही बड़ी चीज है तो पहले खुद को आईने में देख लेना। अगर तब भी जवाब ना मिले तो अपनी शादी की फोटो देख लेना। अपनी पसंद को सही साबित करने के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सॉरी, मैं उसके साथ भाग कर जा रही हूँ। वो बच्ची है अभी, मैं बात करूंगी उससे, प्लीज समझिए। अगले 5 मिनट में हम मरने वाले हैं। इस फीलिंग के बारे में वो जानते हैं जिन्हें फांसी होने वाली होती है, और अब इस फीलिंग को हम भी जानते हैं। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ क्या? इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। थोड़ी देर पहले तो हमने जहर पिया है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? आखिरी इच्छा? मैंने कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे ही हीरो और हीरोइन मरने वाले होते हैं तो वो एक दूसरे के गोद में अपना सर रखते हैं और अचानक से कुछ नया बताते हैं एक दूसरे को। अच्छा, तो पहले मैं करूंगा ना? ठीक है, नहीं चलो पहले तुम ही करो, मैं सिगरेट पी रहा हूं ना तो। ठीक है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है। कुछ नया? अब मैं किस बारे में बात करूं? जानती हो पहली बार तुम्हें कैसे देखा था मैंने? कैसे? तुम डांस कर रही थी, मैंने तुम्हें देवी के अवतार में देखा था।
लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। नॉर्मली जब लव एट फर्स्ट साइट होता है तो वो प्यार या तो वासना के रूप में होता है। हम उस खूबसूरती को पाने की कामना करते हैं, फिर वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। लेकिन मैंने तुम्हें पहली बार देख के जो महसूस किया था वो मेरी भक्ति थी। पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध भावना होती है भक्ति की। हम अपने दोस्त पर गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी अपने पेरेंट्स पर भी, लेकिन भगवान पर गुस्सा नहीं करते हैं। भक्ति में कोई छलावा होता ही नहीं है, सिर्फ प्रेम होता है, विश्वास होता है और भय होता है। प्यार तुम्हारे लिए भरोसा इस बात का कि तुम मेरी बनोगी, और भय इस बात का कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। ये तीनों चीजें एक साथ शुरू हो चुकी थी और उसी विश्वास से मुझे लगा कि मैं तुम्हें पा तो जरूर लूंगा। लेकिन हम 1999 में जी रहे, आज भी खूबसूरती को रंग से मापते हैं, जाति से प्रतिष्ठा का आकलन होता है। अगर मेरी बेटी मेरे रंग के साथ पैदा हुई तो उसे मेरी जाति का रहने दो, और जब वो बड़ी होकर मेरे उम्र में पहुंचेगी तब उससे प्यार उसके वजूद के लिए किया जाना चाहिए, ना कि उसकी खूबसूरती के लिए। तुम्हें पता है ना, मुझे सिंपति से नफरत है, लेकिन अब हर कोई मुझ पर सिर्फ सिंपति की बारिश किए जा रहा है। उस दिन बस स्टॉप पर मुझे हैंडीकैप शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सच बताओ ना मुझे, तुमने भी मुझसे सिंपति की वजह से ही प्यार किया था? हो गया तुम्हारा, अब मैं कुछ बोलूं? तुमने मुझे इस लव एट फर्स्ट साइट के बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं कन्हैया? पता है कब मुझे तुमसे प्यार हुआ? जैसे तुमने मुझे देखा था ठीक वैसे ही मैंने भी तुम्हें देखा था। पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब सिंपथी के लिए है। मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है, तुम्हारे बात करने का अंदाज पसंद है, तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। तुम सच में बहुत सुंदर इंसान हो, इतना सब कुछ तो है तुम्हें प्यार करने के लिए। हाँ कन्हैया, जवाब दो ना कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया उठो, मेरा प्यार कभी सिंपति नहीं था, उठो कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया प्लीज। एक बार उठ जाओ ना कन्हैया, प्लीज कन्हैया, प्लीज उठो ना। कन्हू, कन्हैया उठो, प्लीज उठ जाओ, एक बार उठ जाओ कन्हैया, कन्हैया उठ जाओ ना प्लीज। पहले ही कहा था ना, दीवार है, दीवार है, दीवार है, आराम को कहीं का। मुझे पता है तेरे साथ क्या करना है। ठिकाने लगा दे इसको।
दीपू, 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 रमेश, मुझे डेड बॉडी से डर लगता है किट्टू प्लीज हर किसी की जिंदगी में चार दोस्त होते हैं मेरी जिंदगी में सिर्फ तू ही है बालू अब वक्त आ गया है हमें दिन रहते इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा लेकिन हम तो दो ही लोग हैं इसे वहां तक कैसे ले जाएंगे का दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ किट्टू के पैदा होने से पहले मैं रेलवे में काम करता था वो ट्रेन इंजन का ड्राइवर था मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रेन के आगे आके अपनी जान दे देता था मैं हॉर्न बजाता विनती करता लेकिन वो फिर भी ऐसा करते और मर जाते थे ट्रेन में लगभग 1500 लोग होते हैं लेकिन मुझे ही पता था कि ट्रेन के नीचे कौन मरा है ये सब मेरी आंखों के आगे देखकर मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी मैं इंजन रूम में अकेले ही रोया करता था कि उनके घर वालों का क्या होगा इसलिए जब किट्टू पैदा हुआ तो मैंने वो काम ही छोड़ दिया मौत को रोका नहीं जा सकता यही सत्य है हर कोई मरता है लेकिन बेटा किट्टू बदकिस्मती से थोड़ा जल्दी चला गया इसी बात का दुख है मुझे क्या आपके पास उसकी एक फोटो होगी मेरे पास तो एक भी नहीं है मेरे पास तो नहीं है बेटा
घर में आग लगने की वजह से सब कुछ जल गया बेटा। उस आग में किट्टू ने कूद के अपनी माँ की फोटो और अपना सर्टिफिकेट बचा लिया, लेकिन अपने जीवन का सर्टिफिकेट खो दिया। प्लीज अंकल, सिर्फ एक। मेरे पास एक भी फोटो नहीं है, एक भी नहीं बेटा। मैं अब चलती हूँ अंकल। अंकल आपने जरूर उसकी एक फोटो रखी होगी श्रद्धांजलि के लिए। प्लीज प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं कल लौटा दूंगी। हाँ और बालू का क्या हुआ? वो तो उसी दिन पागल हो गया था, अब हॉस्पिटल में है। आओ ना, आओ भी। वाओ, तो ये है जय कृष्णा। Finally, nice to meet you, bro. एकदम कृष्ण की तरह डार्क एंड हैंडसम, हाँ? अच्छा दिखता था। है ना? ये इसलिए मरा क्योंकि इसे वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन ये लवर्स के लिए प्रेरणा बन चुका है। इसकी अपनी एक फोटो इसके घर में नहीं है, लेकिन अमेरिका में इसकी खूबसूरत पेंटिंग है। वाओ। जय कृष्णा, सच में मुझे जलन हो रही है। आई लव यू टू। तुम्हारे पास फोटो नहीं थी, फिर तुमने इसे बनाया कैसे? उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। आखिर ये बन ही गया। पेंटिंग सच में बेहतरीन है। ये पेंटिंग नहीं है, जय कृष्णा की कलर फोटो है।